हेलो गाइस, मैं खुश रहूं आपका स्वागत करती हूं द न्यू स्टार्ट चैनल में। आपने कभी कड़कनाथ मुर्गी का अंडा खाया है? अगर खाया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आज बताने वाली हूँ कड़कनाथ मुर्गी के अंडे के बारे में और कड़कनाथ मुर्गी के बारे में। और उसका अंडा काफी ज्यादा कॉस्टली है, मतलब एक अंडा 40 से 50 रुपए का बिकता है और उसी के साथ उसके साथ बहुत ज्यादा खासियत है। चलिए उसके बारे में बताती हूँ और उसकी खासियत भी बताती हूँ, मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कड़कनाथ करके कमेंट जरूर कीजिए, अगर आपने भी कड़कनाथ मुर्गी या मुर्गी का अंडा खाया है तो। और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। इसी के साथ शुरू करती है आज की न्यूज। कड़कनाथ, नाम ही कुछ कड़क सा लगता है ना, तो कड़कनाथ मुर्गी काफी ज्यादा काली होती है और इंडिया में ये पाई जाती है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड ऐसी जगहों पे ये पाई जाती है और वहां पर एक्चुअली इतनी ज्यादा हर जगह पर नहीं पाई जाती। इसी के चलते हुए इसके जो अंडे हैं वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, मतलब एक अंडा 40 से 50 रुपए का मिलता है। और ये मुर्गी काली होती है और इसके पंख भी काले होते हैं और इसके जो अंडे होते हैं वो भी काले होते हैं और काला सोना भी इसको बोला जाता है। और बोलते हैं कि जो इसका मांस होता है वो काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है और इसका मांस खाने से और इसके अंडे खाने से जो लोग खाते हैं वो काफी ज्यादा तंदुरुस्त रहते हैं। वो क्यों तंदुरुस्त रहते हैं? इस मुर्गी में फैट नहीं होती है और तो और इस मुर्गी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। और जो दिल के पेशेंट रहते हैं उनके लिए अगर ये मुर्गी या मुर्गी का अंडा खाते हैं, पूरे दिन में एक अगर अंडा खाते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। बीपी पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है और हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। और जो लोग यानी कि जिम वगैरह जाते हैं और उनको जल्द से जल्द अपनी बॉडी बिल्ड करनी है और उसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा दूसरे प्रोटीन वगैरह लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही अगर वो इस मुर्गी का सेवन या इस मुर्गी के अंडे का सेवन करते हैं तो उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होती है, क्योंकि इसमें मसल बनाने की भी ताकत होती है और इसमें फैट नहीं होता। कि अगर आप नॉर्मल अंडा खाते हैं और अगर आप उसको बॉइल करके खाते हैं तो उसका जो येलो बॉल रहता है वो काफी ज्यादा फैटी रहता है। और कुछ लोग जो जिम करते हैं वो व्हाइट शैली खाते हैं, उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं खाते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि बात सच है। पर ये मुर्गी खाने से या उसके अंडा खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता, हर एक फायदा होता है और हर एक शख्स को ये खाना चाहिए। पर ये कॉस्टली होने के कारण ज्यादातर बिकता भी नहीं और लोग इसको खरीदते भी नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि एक्चुअली कड़कनाथ मुर्गी है क्या। कड़कनाथ कुछ और ही सोच के बैठ जाते हैं। आई होप गाइज आज की जानकारी जान के आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कड़कनाथ के बारे में जानते थे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और अगर आपने कड़कनाथ मुर्गी कभी खाई है या उसका अंडा कभी खाया है तो जरूर कमेंट जरूर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।